वेलकम टू रॉयल किचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं रॉयल किचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देख रहे हैं रीजनिंग का पार्ट वन, ठीक है। आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज से रीजनिंग का भी पार्ट शुरू किया जा रहा है आप लोग के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं रीजनिंग से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। देखिए, रीजनिंग मुख्य दो प्रकार से बटा होता है, ठीक है। एक है वर्बल रीजनिंग और दूसरा है नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। वर्बल रीजनिंग में बिना चित्र वाला रीजनिंग होता है, ठीक है, जिसमें कि शब्द से संबंध दर्शाना रहता है या फिर जो है कि भाषा से आधारित संबंध दर्शाना रहता है, ठीक है। और नॉन वर्बल रीजनिंग जो होता है जिसमें कि चित्र रहता है, यानी कि चित्र आधारित प्रश्न हो गया, ठीक है। वर्बल और नॉन वर्बल में अगर मुख्य अंतर बताएंगे तो हो गया बिना चित्र वाला हो गया वर्बल और चित्र वाला हो गया नॉन वर्बल। तो इसमें से जब बिना चित्र की बात होगा तो भाषा होगा, शब्द होगा, ठीक है। तो इसका जो है सिलेबस अगर आप लोग को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और आप वहां से रीजनिंग का पूर्णतः सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद वर्बल में जो है कि चैप्टर स्टार्ट हम कर रहे हैं आज कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, ठीक है, सांकेतिक भाषा परीक्षण। तो देखिए, कोडिंग क्या होता है? कोडिंग क्या होता है कि किसी अर्थपूर्ण शब्द को अनर्थपूर्ण शब्द में बदलने की क्रिया को कोडिंग कहते हैं। जैसे हम लोग साधारणतः देखते हैं आम बोलचाल की भाषा में कि किसी शब्द को जो है किसी वाक्य को कोड की भाषा में बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्रिया कहलाता है कोडिंग, मतलब अर्थ वाले शब्द को अनर्थ में बदलना, क्या कहलाता है? कोडिंग। अब डीकोडिंग, ठीक है, ठीक इसका उल्टा, अनर्थ वाले शब्द जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता उसको बदल के अर्थ वाला में कर देगा, यह क्रिया कहलाएगा डीकोडिंग, ठीक है। ये आप देख लीजिए यहाँ, कोडिंग अर्थ से अनर्थ बदलना, और डीकोडिंग क्या होता है? अनर्थ से अर्थ की ओर बदलना, ये कहलाता है डीकोडिंग, ठीक है। अब आइए इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे कि रॉयल लिखा हुआ है, ठीक है, इसका अर्थ होता है राजकीय या शिष्ट शैक्षणिक संस्थान में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द, उच्च शैक्षणिक संस्थान में, ठीक है। इसका एक अर्थ है, इसको अनर्थ में बदल दिया गया। इसको किस में बदल दिया गया? अनर्थ में, ILBZO, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो ये कहलाए क्रिया, क्या कहलाए? कोडिंग, ठीक है। उसके बाद देखते हैं टीचिंग। टीचिंग में क्या किया गया है? यहाँ जो देख रहे हैं GVZXSRMT, इसको बदल करके इधर ला दिया गया है, टीचिंग कर दिया गया है। तो ये इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका अर्थ है, ठीक है, शिक्षण संस्थान इसका अर्थ है। तो अनर्थ से अर्थ की ओर आया, ये क्या कहलाया? डीकोडिंग, ठीक है। इसके बाद और इसमें भी देख लेते हैं, सेंटर है, सेंटर को अनर्थपूर्ण शब्द में बदल दिया, इधर से इधर कर दिया, यह हो गया क्या? कोडिंग। अब अनर्थ से अर्थ की ओर आ गया, यह कहला गया डीकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग का अर्थ आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें से देखिए, ये अल्फाबेट पे आधारित होता है, ठीक है। अल्फाबेट ए से जेड तक के अक्षर को अल्फाबेट कहा जाता है। अब इसको याद रखने के लिए सबका सही मान या आपको याद रखना, याद रखने का मुख्य नियम है, ठीक है। तो पहला नियम है क्या? सी फिलो रक्स, ठीक है। सी का मान 3 हो गया, एफ का मान 6 हो गया, ठीक है। आई का मान 9, एल का मान 12, ओ 15, आर 18, यू 21, एक्स 24। तो इसको आप सी फ्लोरेक्स के से आप याद इसको रख सकते हैं, ठीक है, ए से जेड तक। दूसरा भी इसमें से है कि है ई जोटे, ठीक है। ई का वैल्यू 5 हो गया, जे का 10, ओ का 15, पी का 20, वाई का 25। इस तरह से आप कोडिंग डिकोडिंग में, ये रीजनिंग का बहुत ही बेसिक चैप्टर है, ठीक है, इसको समझने के बाद ही आप वर्बल रीजनिंग में कुछ हद तक अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ठीक है। और भी कुछ जो है कि इसको याद रखने के लिए हम बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप जो है कि कोडिंग डिकोडिंग में दो तरह से आपको ध्यान रखना, एक वर्णमाला का सीधे क्रम का मान याद रखना, सीधा क्रम, जैसे ए से जेड की ओर आया, ठीक है, ए का 1, बी का 2, इस तरह से आपको टोटल जेड तक याद रखना। उसके बाद उल्टा में जेड से ए की ओर आना है, ठीक है। और यहाँ बता देते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जो होता है एक दूसरे के विपरीत होता है, ठीक है। विपरीत अक्षर कैसे होता है? जैसे कि यहाँ पे हम छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे कि यहाँ पे के है और पी, ठीक है, ये एक दूसरे का विपरीत है, ठीक है। कैसे? इस दोनों लेटर का सही मान को जोड़िए, के का मान कितना हो गया? 11, ठीक है, और पी का मान कितना हो गया? 16। इस दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 27। अर्थात ऐसे दो लेटर जिसका की योगफल 27 हो जाता है, वह एक दूसरे का विपरीत होता है। यहाँ पे के का विपरीत पी है, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी एक दूसरे का विपरीत लिखा गया, जैसे आर है, आर का विपरीत आई लिखा गया है, आर का वैल्यू होता है 18 और आई का वैल्यू होता है 9, तो 18 और 9 27 हो गया। सभी अक्षर को आप देखेंगे तो वही आएगा, ठीक है, इसका विपरीत कर दिया गया यहाँ। तो और भी आप जो है कि इसको देख लें, ठीक है, किस तरह से अंग्रेजी का वर्णमाला को, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षर को आसान तरीके से याद रखने के लिए देखते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक विपरीत अक्षर को याद करने का दो नियम है, ठीक है। एक तो ये हो गया यू और एफ, तो उप हो गया, ये यू का उल्टा एफ, एफ का उल्टा यू, उप बाय लव, ठीक है, सब एक दूसरे का विपरीत है, ठीक है। सर गेज,
पी के जे क्यू, ठीक है। ये अब इस तरह से एक और इसको देखिए है शब्द उप बाय लव सर ला जी टी रोड जा चाय पी के मन से जोकर क्यों खेल, ठीक है। तो जो वर्ड घेरा हुआ है इसका कोई यहाँ मीनिंग नहीं है, वाक्य को पूरा करने के लिए हम दिए हुए, ठीक है। और जीरोक्स कॉपी में डी वर्क करें, ठीक है। सब एक दूसरे का विपरीत है। अब आइए देखते हैं दैनिक जीवन में प्रयुक्त या यूज होने वाले शब्दों से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को याद रखना है, ठीक है। तो देखिए जीरोक्स कॉपी कराते हैं ना, एक्स का विपरीत सी हो गया, सी का विपरीत एक्स हो गया यहाँ से। इसके बाद हाई स्कूल बोलते हैं एच का उल्टा एस, एस का उल्टा एच। आई आर इंडियन रेलवे, ठीक है, यूज करते हैं हम लोग सब। तो ये हो गया आई का उल्टा आर, आर का उल्टा आई। के पी कटिहार और पूर्णिया, ये दोनों जिला है एक दूसरे का विपरीत भी है, कटिहार और पूर्णिया, ठीक है। जे क्यू जोकर क्यूइन, ठीक है। जे का उल्टा क्यू, क्यू का उल्टा बाय, तो कहीं जाते हैं तो बाय बाय होता है, ठीक है। इसके बाद डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू मतलब धोनी विकेट कीपर, ठीक है, धोनी विकेट कीपर। यू एफ उप वहां भी था। जी टी, जी टी रोड जा ग्रैंड टैंक रोड, ग्रैंड टैंक रोड, ठीक है, या ग्रैंड टोटल भी कह सकते हैं। एम एन मन, एल ओ भी ल, ठीक है, ए जेड अज, तो ये एक दूसरे का विपरीत है। अब इसमें से देखिए कुछ और भी तरीका है विपरीत को याद, समान को याद रहने से। देखिए बी डी फजल, ठीक है, यहाँ लिखा है बी डी फजल को नफरत भी एक्स जेड से, नफरत है संजय नफरत, बी डी फजल आप याद रख सकते हैं, कोई एक प्रकार का कोई नाम है उसको किसी अन्य चीज से नफरत है, यहाँ लिखे हुए हैं बी डी फजल को नफरत भी एक्स जेड से। तो आप इससे जो है दो दो का अंतर पे अंग्रेजी वर्णमाला को याद कर सकते हैं। इससे पहले तीन वाला भी बताएं, फिर पांच वाला भी, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसमें से क्वेश्चन कुछ जो पूछे जाते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में से आपका क्या है कि जैसे कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन को सी एस बी जे ओ लिखा गया। तो पहले देखिए ब्रेन को यहाँ क्या लिखते हैं, अलग से यहाँ लिख दीजिए बी आर ए आई एन, ब्रेन, ब्रेन को क्या लिखे हैं सी एस बी जे ओ, ठीक है। तो देखिए आप कह रहा है मेकर को लिखना, ठीक है, एम ए के ई आर मेकर, मेकर को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान देंगे सबसे पहले यहाँ पे जो आप सीख रहे हैं रीजनिंग, तो यहाँ पे सब वर्ड का जो है कि क्रमांक को रख दें, ठीक है। और रीजनिंग समझना क्या होता है पहले इस बात को समझें, प्रश्न के स्वरूप को, प्रश्न की प्रकृति को समझना ही रीजनिंग समझना समझा जाता है, ठीक है। अब आप इसको अगर समझ जाएंगे तब ना आप उत्तर देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे। देखिए ब्रेन में बी का हो गया दो, आर का हो गया 18, ए का 1, आई का हो गया 9, एन का हो गया 14, ठीक है। तो देखिए दो के जगह यहाँ तीन लिखा गया, यही ना हो गया, यहाँ तीन हो गया, यहाँ 19 हो गया है, ठीक है, ये 19 है, ये फिर दो हो गया, ये फिर 10 हो गया, और ये फिर 15 हो गया। तो क्या देख रहे हैं एक एक करके बढ़ रहा है, उसी तरह यहाँ भी एक एक करके बढ़ाते चलिए, ठीक है। तो एम से एक बढ़ेगा तो एन बन जाएगा, ठीक है। आप यहाँ भी जो है कि इसको भी जो है कि सीखने क्रम में लिख सकते हैं, ये 13 हो गया, ये 1 हो गया, ये 11 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब 13 से 1 14 जाएगा तो एन बनेगा, ए से एक बढ़ेगा तो बी बनेगा, के से एक बढ़ेगा, ठीक है, तो एल बनेगा। इसके बाद फिर ई से एक बढ़ेगा तो एफ बनेगा, आर से एक बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा एस बनेगा। तो इसका उत्तर यही हो गया, ये हो गया आंसर। आप अगर प्रश्न में प्रश्न के स्वरूप को समझ गए तो रीजनिंग आसान तरीके से बन जाएगा, इस बात को जहन में बैठा लें, ठीक है। प्रश्न नहीं समझेंगे तो रीजनिंग नहीं बनेगा, रीजनिंग बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं स्टेबलाइज को इस तरह से लिखा गया, यहाँ देखिए ये एस का मतलब 19 हो गया, ठीक है, आपको नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आप कन्फर्म है तो नहीं भी लिख सकते हैं। 12 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 19 हो गया, फिर 5 हो गया। अब देखिए ये 19 है, यहाँ पे कितना हो गया 21 हो गया, ठीक है, ये 20 है, यहाँ कितना हो गया 22 हो गया, यहाँ 1 है तो यहाँ कितना हो गया 3, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 4, यहाँ पे 9 है तो यहाँ 11, यहाँ फिर जो है कि कितना हो गया 14, यहाँ फिर हो गया 11, यहाँ फिर हो गया 21, यहाँ फिर हो गया 7। तो देखिए इसमें से बढ़ पे आ रहा है, दो दो करके बढ़ रहा है, क्रिकेट में भी हम दो दो करके बढ़ा देंगे तो सी में 2 बढ़ाएंगे क्या बनेगा ई, आर में 2 बढ़ाएंगे, ठीक है, तो टी बनेगा, आई में 2 बढ़ाएंगे तो के बनेगा, सी में 2 बढ़ाएंगे तो ई बनेगा, फिर ई में 2 बढ़ाएंगे तो जी बनेगा, ठीक है, टी में 2 बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, हो गया इस तरह से दो दो करके बढ़ रहा है, दो दो करके बढ़ रहा है, तो ये हो गया स्टेबलाइज को लिखा गया। यही देखिए ये
स्टेबलाइज का कुछ अर्थ होता है, इसको कर दिया गया कोटिंग, अनर्थ शब्द में बदल दिया गया, तो फिर इसको भी अर्थ शब्द में बदलना है। जैसे प्रश्न का स्वरूप है उसी तरह से आपको उत्तर देना, यही बात समझना है, ठीक है। कुछ और भी क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए कि क्वेश्चन है, अगर हम मद्रास की बात करते हैं, MADRA मद्रास को 56 लिख दिया गया, ठीक है, तो कलकत्ता को क्या लिखा जाएगा, CALCUTTA, कलकत्ता को क्या लिखेंगे, ठीक है। देखिए तो मद्रास में आप सबका मीनिंग को देखें, सबका कितना कितना क्रमांक होता है, M का हो गया कितना 13, A का 1, D का 4, R का 18 और A का 1, S का 19, सबको जोड़ेंगे, ठीक है। 19 एक 20 हो गया, ठीक है, ये 20 हो गया, इसके बाद फिर 4 एक 5 25, ठीक है, और 18 और 13, ठीक है, तो 13 दूना 26, ठीक है, और 26 और यहाँ पे कितना हो गया 25, तो 26 दूना 52, ठीक है, और 52 से 51 हो जाएगा, और यहाँ पे छूटा हुआ है 5, 51 और 5 कितना हो गया 56, तो ये हो गया इसका 56। उसी तरह कलकत्ता को भी लिखेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे सी का वैल्यू 3 हो गया, ए का वैल्यू 1 हो गया, ऊपर में लिखते हैं तो जगह नहीं तो नीचे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 21 फिर हो गया कितना यहाँ 20, फिर ये भी 20, फिर ये भी 20 20 40, यहाँ भी 20 है तो 40 20 60 हो गया, 60 तो 62 62 3 65 65 और 10 75 75 2 77, ठीक है, 77 1 78 78 और 3 81 हो गया, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसी क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन फिर दूसरा, इसी क्वेश्चन को देखिए एकल यूनिट में भी पूछा जाता है, इकाई अंक में पूछा जाता है। इकाई अंक में कैसे पूछा जाएगा, जैसे देखिए मद्रास है लिखा हुआ MADRAS मद्रास, तो मद्रास को लिख दिया गया है मान के चलिए 2, ठीक है, तो उसी तरह कलकत्ता को क्या लिखा जाएगा, CALCUTTA कलकत्ता को क्या लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले रीजनिंग में समझना क्या होगा कि ये 2 कैसे लिखा गया, मद्रास को 2 क्यों लिखा गया, कैसे लिखा गया, तो इसके पीछे क्या है रीजन, यहाँ से देखिए तो मद्रास को तो यहाँ योग कितना होता है 56 ना, 56 को फिर जोड़ेंगे 6 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, फिर 11 को 1 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 2 आएगा, इसी लेकर के यहाँ से जो है कि 2 लिखा गया है, मद्रास को क्या लिखा है 2। उसी तरह कलकत्ता का जो है कि कितना हो जाएगा 81, आप देख रहे हैं इसमें 81 को फिर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। ये हो गया एकल अंक, एकल अंक इकाई अंक होता है, ठीक है, जिसका 1 से 9 के बीच के अंक को एकल अंक कहा जाता है, तो यहाँ आ गया ना 1 से 9 के बीच में, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान के चलिए एक और क्वेश्चन है, जैसे हेमा HEMA, ठीक है, हेमा को लिख दिया गया 27, तो भीलू को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, भीलू को, तो देखिए H का हो गया कितना 8, ये हो गया 5, ये हो गया 13, ये हो गया 1, ठीक है, सबको जोड़ देंगे 8 5 13 13 26 27, उसी तरह से इसको भी जोड़ देंगे, ठीक है, तो सबको जोड़ देंगे तो 22 5 27 27 और ये हो गया कितना 21, ठीक है, 27 20 47 41 48 60 हो गया, तो ये हो गया आपका आंसर। तो रीजनिंग में हमेशा ये ध्यान रखेंगे आप कि हमको प्रश्न को समझना है, ठीक है, बनाना बाद में है, पहले प्रश्न को समझिए, यदि प्रश्न समझ रहे हैं तो रीजनिंग आपका आसानी से बन जाएगा, ठीक है। कुछ एक दो क्वेश्चन और भी देख लेते हैं इसमें से, जैसे कि इंडिया को लिखा गया है, इंडिया को लिखा गया है 95491, तो दिल्ली को क्या लिखा जाएगा, तो दिल्ली को क्या लिखेंगे, ठीक है, तो आसान है, देखिए आई का वैल्यू 9 होता है, ठीक है, एन का वैल्यू 14 होता है, कि यहाँ पे एकल अंक में बना दिया है 14 को, क्या कर दिया है एकल अंक में, यहाँ 9 यहाँ 14 यहाँ 4 यहाँ फिर 9 यहाँ 1, सब तो वही है, सिर्फ इसका चेंज हुआ है, एकल अंक में बदलना है, जहां भी दहाई में आएगा उसको हम एकल अंक में बदलेंगे, इससे हमको ये समझना है, ठीक है। अब दिल्ली है, डी का 4 हो गया, ई का 5 हो गया, एल का 12 हो गया, अगर 12 है तो इसको एकल अंक क्या हो जाएगा 2 1 3, फिर एच का 8, फिर आई का 9, तो यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसके बाद अगर इसको लिखा गया है SONI, सोनी को लिखा गया है क्या HLMR, ठीक है, तो अमित को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, यही होगा कोडिंग हो गया ये, ठीक है, नाम है, नाम को उसको बदल दिया गया इसमें। तो अब इसमें से देखिए अमित को क्या लिखा जाए, इसको क्या लिखा गया, एस का उल्टा एच, ओ का उल्टा है, उसी तरह ए का उल्टा क्या होता है, ए का उल्टा जेड, एम का उल्टा एन, आई का उल्टा आर, टी का उल्टा जी, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, विपरीत किया है,
इसको क्या किया है, विपरीत किया है, ध्यान रखेंगे। और कोडिंग डिकोडिंग अगर आपको सीखना है अच्छी तरह से, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप एक काम करेंगे, अपने जितने भी रिश्तेदार दोस्त हैं सभी के नाम को लिखेंगे और उसको कोड करेंगे। जैसे मान के चलिए कि अब हम कुमार लिखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल तो के का 11 हो गया, यू का 31 हो गया, एम का 13 हो गया, ठीक है, ए का 1 हो गया, आर का 18 हो गया, इसको फिर जोड़िए। उसी तरह से अलग अलग प्रकार के कुमार कुमारी सब होगा, सबका नाम को जोड़ते चलिए, ठीक है, और इससे आप जो है कि एक अभ्यास हो जाए और अभ्यास से आप रीजनिंग आसानी से को देख लेते हैं। आइए जैसे देखिए क्वेश्चन है बैकरी, ठीक है, बी ए के ई आर वाई, ठीक है, बैकरी को लिखा गया है एक्स एस डी एल जेड सी, ठीक है, उसी तरह से टी ओ एन के ई वाई को क्या लिखा, ठीक है। तो प्रश्न के पहले स्वरूप को समझना होगा, ठीक है, और प्रश्न के स्वरूप को समझिए कि यहाँ कैसे चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ऊपर में लेटर लिखना पड़ेगा, ठीक है, नंबर लिखना होगा, ठीक है। जैसे देखिए 2 है, 1 है, 11 है, 5 है, ठीक है, 18 है, 25 है, ठीक है, ये हो गया 24, ठीक है, ये एस है, ठीक है ना, एस, ये 24, ये 19, ये 4, ये 12, ये 25, ये 26 और ये 3, ठीक है। तो देख रहे हैं कि कुछ अलग तरह का है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ 25 है, यहाँ 24, इसका मतलब इससे घटा है, यहाँ 18 है, इसका यहाँ 19 है, इसका मतलब एक बढ़ा है, ऐसे पता चल जाता है। उसी तरह से एक बढ़ाते हुए घटाते हुए चलना है, इसमें से एक घटा देंगे, ठीक है, तो वाई से एक घटेगा कितना बचेगा, ठीक है, एक्स होगा, एक्स आएगा इसमें, ठीक है। अब देखिए ई से एक क्या हो रहा है, यहाँ से ई से एक बढ़ रहा है, ठीक है, ई से एक बढ़ेगा क्या बनेगा, एफ बनेगा, ठीक है। इसके बाद के है, के से फिर क्या हो जाएगा, एक घटना चाहिए, ठीक है, घटेगा तो क्या हो जाएगा, के से घटेगा तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, ठीक है, आप इसको सिंबल में भी दिखा सकते हैं। फिर एन से, एन से अब बढ़ेगा, एन से क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। फिर ओ है, ओ से फिर घटेगा तो 15 है इसका, 15 से घटेगा 14 हो जाएगा, अर्थात एन हो जाएगा। फिर डी है, अब घटा तो बढ़ेगा, डी से क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, बढ़ के ई हो जाएगा, यानी एक घट रहा है और एक बढ़ रहा है, ठीक है, एक घटता है और एक बढ़ता है, ठीक है, और एक बढ़ता है। तो आप अगर प्रश्न के स्वरूप को समझ रहे हैं तभी आप रीजनिंग को आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो जैसे आप लोग को एक बात बताते हैं, अगर ये आप रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ठीक है, इससे आपको नई नई जो है जानकारी मिलते रहेगी, और आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग का डेली जो है कि एक एक पार्ट डाला जाएगा, आप लोग उससे लाभ ले सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, जैसे देखिए डस्ट है, डी यू एस टी डस्ट, ठीक है, डस्ट को लिखा गया है क्या, ई डब्ल्यू वी एक्स, ई डब्ल्यू वी एक्स, देखिए डी से क्या हुआ, यहाँ 4 है, यहाँ 21 है, यहाँ 19 हो गया, यहाँ 20 हो गया, ये 5 हो गया, ये कितना हो गया 23, ये कितना हो गया 22, ये कितना हो गया 24। अब अंतर देखिए, यहाँ 4 से एक बढ़ रहा है, 5 हो गया, ठीक है। उसी तरह से दूसरा में क्वेश्चन देखिए, ठीक है, जिसका आंसर देना है बी ए आर के बार्क है, तो बार्क में बी में एक बढ़ेगा तो सी हो जाएगा, ए में फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 बढ़ेगा तो सी हो जाएगा, फिर इसमें से जो है तो 2 बढ़ेगा, 19 से 19 3 कितना हो रहा है 22, तो आर से 3 बढ़ेगा कितना हो जाएगा यू, ठीक है, इसमें 4 बढ़ रहा है तो के से 4 बढ़ेगा कितना हो जाएगा 15, यानी कि ओ हो जाएगा, इस तरह से हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर जो है कि इंडिया, आई एन डी आई ए, इंडिया, ठीक है, इंडिया को लिख दिया गया है क्या, इंडिया को लिख दिया गया के क्यू एफ एल सी। तो देखिए आई का हो गया 9, इसका 14, इसका 4, इसका 9, इसका 1, इसको 11, ठीक है, इस 17, ये 6 और ये 12, ये 3, तो कैसे हुआ, ठीक है, 2 बढ़ रहा है, 2-2 सब में बढ़ रहा है, देख रहे हैं। उसी तरह से यहाँ जापान है, जापान, ठीक है, जापान में क्या होगा, सब में 2 बढ़ाएंगे, देखिए 9 से 2 हो रहा है 11, ठीक है, तो जे से 10 से 2 बढ़ेगा तो 12, यानी कि एल हो जाएगा। ए से, ए में जो है कि आप देखिए कितना 3 बढ़ रहा है, 14-3 17, ए में 3 बढ़ेगा तो डी बन जाएगा, 4 में इसमें 2 बढ़ रहा है, पी में जो है 2 बढ़ेगा कितना हो जाएगा 16-2 18, ठीक है, 18 में कितना होता है आर, इस तरह से ए में फिर जो है कि 2 बढ़ेगा कितना, 3 बढ़ेगा कितना, 9-3 12 हो रहा है, 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ेगा कितना हो जाएगा डी, उस तरह से। फिर एन, एन में फिर यहाँ कितना बढ़ रहा है, 1 से सी हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो एन में 2 बढ़ेगा कितना हो जाएगा पी, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप जो है कि कई जो है रीजनिंग को बना सकते हैं, एक आपको होमवर्क में दे देते हैं, आप इसको
सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कमेंट में लिखेंगे। डी ओ यू बी एल ई डबल डबल को लिखा गया एल डब्ल्यू वाई एफ वी ओ, ठीक है। तो उसी तरह मास्टर को क्या लिखा जाएगा, एम ए एस टी ई आर, मास्टर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे, हम इसे ऑप्शन में दे देते हैं, ठीक है, जेड एन जी एच आई भी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ये ए ऑप्शन हो गया, ये बी है, ठीक है, जेड जी एन वी आई आई भी एच, ठीक है। तो इस तरह से ए एंड बी, ज़्यादा ऑप्शन नहीं देंगे, डी में एन ओ टी, इसी दोनों में आप देखिए कौन सा होगा, ठीक है। और आप लोग को फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कि कुछ और अच्छी जानकारी लेकर रीजनिंग में मिलते हैं, ठीक है, या ठीक है। तो आप लोग इसको जो है कि YouTube चैनल रॉयल टीचिंग सेंटर को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप और भी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, धन्यवाद।